Hello everyone, this is Vijeta. I welcome you people once again on my channel, that is Vijeta EduTalk. आज हम लोग कुछ phrasal verbs के बारे में जानने वाले हैं. इसका meaning और इसको कैसे वाक्य में use करना है ये भी इस video के ज़रिए आप लोगों को मैं बताऊँगी. So without wasting time, let's start. सबसे पहला phrasal verb है bring under. It means to place someone or something under the management or supervision of another person, group or thing. यानी के तहत लाना, के अंतर्गत लाना, के अधीन लाना. वो किसी के भी अधीन हो सकता है, किसी person के, किसी group के या किसी चीज़ के. Example: Your promotion also brings you under a new supervision. आपकी पदोन्नति आपको एक नए पर्यवेक्षक के अधीन भी लाता है. नेक्स्ट, ब्रिंग अप. इट मीन्स टू लुक आफ्टर अ चाइल्ड अंटिल ही और शी बिकम्स एन अडल्ट. यानी पालन पोषण करना. फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ ब्रॉट अप 3 children. उसने 3 बच्चों का पालन पोषण किया है. नेक्स्ट, बिल्ड अप. इट मीन्स अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन समथिंग. यानी धीरे धीरे बढ़ाना या हासिल करना. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ बिल्ड अप अ गुड बिजनेस. उसने धीरे धीरे एक अच्छा व्यवसाय बनाया है. यानी उसने धीरे धीरे एक अच्छा व्यवसाय बसाया है, हासिल किया है. नेक्स्ट, बर्न अप. मीन्स टू बर्न कम्प्लीटली. यानी पूरी तरह जला देना. फॉर एग्जाम्पल, शी पुट सम वुड ऑन द फायर एंड मेड इट बर्न अप. उसने आग पर कुछ लकड़ी डाली और उसे पूरी तरह जला दिया. कॉल फॉर. इट मीन्स टू डिमांड. फील द रिक्वायरमेंट. यानी मांगना या आवश्यकता महसूस करना. For example, some political parties called for the resignation of the chief minister. कुछ राजनीतिक दलों ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की. Call in. It means if you call someone in, you ask them to come and help you or do something for you. यानी सहायता के लिए बुलाना. जैसे कि हम लोग कॉल करके प्लम्बर वाले को या किसी ग्रॉसरी वाले को बुलाते हैं सामान पहुंचाने के लिए, तो उसे कहते हैं कॉल इन. फॉर एग्जांपल, कॉल इन एन आर्किटेक्ट और सर्वेयर टू ओवरसी द वर्क. काम की देखरेख के लिए किसी वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट, सर्वेयर यानी सर्वेक्षणकर्ता को बुलाएं. कैरी ऑफ. इट मीन्स टू विन यानी जीतना. फॉर एग्जाम्पल, शी कैरीड ऑफ ऑल द स्कूल प्राइजेस. उसने सभी स्कूल पुरस्कार जीत लिए या उसने सभी स्कूल पुरस्कार अपने नाम कर लिए. कैरी ऑन. इफ़ यू कैरी ऑन डूइंग समथिंग, यू कंटिन्यू टू डू इट. यानी जारी रखना, कंटिन्यू करना. फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट कैरी ऑन योर स्टडीज़. आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए. यानी आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए. नेक्स्ट इज कैरी आउट. इट मीन्स टू परफॉर्म और कंप्लीट अ जॉब और एक्टिविटी. यू हैव बीन टोल्ड टू. किसी काम को पूरा करना, अंजाम देना या आदेश का पालन करना. फॉर एग्जाम्पल, अ सोल्जर ऑलवेज कैरीज आउट द ऑर्डर्स ऑफ हिज कमांडर. एक सैनिक हमेशा अपने कमांडर के आदेशों का पालन करता है. कम आफ्टर. मीन्स टू चेज यानी पीछा करना. फॉर एग्जाम्पल, द विलेजर्स चेज्ड द थीव्स विद स्टिक्स एंड स्पीयर्स. ग्रामीणों ने चोरों का पीछा लाठी और भालों के साथ किया. स्टिक्स यानी लाठी और स्पीयर्स यानी भाले. सो यहाँ वीडियो ख़त्म हो जाता है. होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और मैंने आपके नॉलेज को थोड़ा बढ़ाया होगा. अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़.
थैंक यू।